हेलो फ्रेंड्स मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी तो गाइस ये चिकन ना बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन चिकन थाई जो होता है मैंने वेट में भी आपको बता दिया है तो इस चिकन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे काली मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं क्योंकि मैं अब यहाँ पे मैंने ली है जो मैगी का जो है ना वेजिटेबल स्टॉक की जो आती है स्टिक्स वो मैंने ली है इसीलिए मैंने उसमें जो पहले चिकन में नमक नहीं डाला था क्योंकि जो स्टिक्स होती है ना ये जो स्टॉक होता है वेजिटेबल स्टॉक इसमें ऑलरेडी नमक होता है तो अगर आपने यहाँ पर भी डाल दिया और वहाँ पर भी डाल दिया तो नमक ज़्यादा हो सकता है इसलिए मैंने पहले चिकन में नमक नहीं डाला था गर्म पानी में अब मैं ये दोनों स्टिक्स डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे घोल लेंगे ये बहुत जल्दी घुल जाती है इसके अंदर और यहाँ पर हमारा रेडीमेड जो है वो चिकन चिकन स्टॉक बोल रही हूँ वेजिटेबल स्टॉक जो है तैयार हो गया आप चाहो तो अलग से भी स्टॉक uh, बना सकते हो वेजिटेबल स्टॉक को वेजी वेजिस को सारे पानी में बॉईल करके पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ये भैया फटा फटाफट इंस्टेंट वाला काम हो जाता है तो हमने लिया है चिकन और इसमें डाल दिया मैंने दो चम्मच जो है मैदा डाल दिया है और इसको हम मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे अपने चिकन को तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो कोट हो चुका है अब मैं कढ़ाई में ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और अब हम अपने चिकन के पीसेस को इसमें डाल देंगे और हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है तो चिकन वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है और इसमें ऊपर थोड़ा सा क्रश बन जाए उस लेवल तक हमें इसे पकाना है मतलब फ्राई करना है ऑयल में बहुत ही कम ऑयल लगता है इसमें तो यहाँ पे हम अपने पलट पलट करके चिकन के सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे तो ये ये जो रेसिपी ना गाइस आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस तरीके से चिकन खाएंगे ना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगी इतना डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ था तो यहाँ पे मेरा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर तो अब इनको निकाल लेंगे बाहर सारे चिकन को पीसेस को बाहर निकाल लेंगे एंड गाइज़ अगर आपको अभी तक देखो मैं तल निकाल रही हूँ कुछ गिरते ही जा रहे हैं उसके अंदर इसको तलने में इसको फ्राई करने में मुश्किल से पाँच से आठ मिनट लगे होंगे बहुत जल्दी हमारा ये फ्राई हो जाता है तो वो जो बचा हुआ ऑयल था अब उसमें हम डालेंगे बटर तो क्योंकि हम बना रहे हैं बटर गार्लिक इसलिए बटर के बाद तो यहाँ पे मैंने तीन से चार जो है गार्लिक इसको डाल डालिया था आज मैंने यहाँ पे कम रखी थी क्या ताकि हमारा बटर और गार्लिक जो है वो जले ना अगर जल जाता है तो उसका एक थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट आ जाता है गार्लिक का जो कि हमें इस डिश में बिल्कुल भी नहीं चाहिए है ना तो यहाँ पे हमारा गार्लिक जो है वो अच्छे से वो हो चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा दो चम्मच के करीब मैंने दो चम्म, नहीं, चम्मच नहीं डेढ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा डाला है अब इस मैदे को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा एक ब्राउन कलर आता है ना पका लेंगे ताकि मैदे का जो है ना कच्चापन ना रह जाए इसमें तो आप देख सकते हैं ये हो गया है अब इसमें हमने आपने जब स्टॉक बनाया था उस स्टॉक को इसमें डाल देंगे और स्टॉक डालने के बाद में इसको मिक्स करते जाएंगे ना धीरे धीरे ये मैदे के कारण थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा और एक गाढ़ी सी स्लरी टाइप की बन जाएगी अब इसमें मैं चिकन डालना डाला डाल दिया था और वो वीडियो में रिकॉर्ड करना भूल गई सॉरी गाइज फॉर देट तो हम चिकन को डाल देंगे और हमारा चिकन जो है ये ग्रेवी में इस जो हमने थिक ग्रेवी बनाई थी स्टॉक की इसमें एक है ना अच्छे से लपेट जाएगा मतलब कोट हो जाएगा थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है नहीं ये बहुत ही टेस्टी बनाता है बिल्कुल गार्लिक की और बटरी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए आपको आपके घर वालों को अगर चिकन पसंद है गार्लिक पसंद है बटर पसंद है तो ये ज़रूर पसंद आने वाली है वीडियो तो अगर आप लोग को ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई होगी ना गाइड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि ना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो यहाँ पर हमारा बटर गार्लिक चिकन तैयार हो चुका है अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय इंजॉय कीजिए